हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में आपने थंबनेल में देख लिया है हम किससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं एंड अगर बात करें हम बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी की बात करने वाले हैं और उनमें से कौन सा बेस्ट स्टॉक है और कुछ पर्टिकुलर न्यूज भी आती हुई दिखाई दे रही है एक पर्टिकुलर स्टॉक से उनमें से रिलेटेड तो वो भी कवर अप करेंगे तो जानेंगे कहाँ अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें नजर आ रही है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे बाकी यहाँ पर आज की डेट में दो वीडियो आ चुकी है जी एम फॉर एज वेल एज स्टार्ट ऑफ द वीक यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है तो इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है प्लेलिस्ट को गो थ्रू करनी है दूसरे वीडियोस को देखना है सीखना है और सीख के यहाँ पर आगे बढ़ना है ताकि ता अच्छे खासे पैसे आपके मार्केट में नॉलेज के बेस पे बने ना कि तुक्के के बेस पे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अकाउंट भी आप ओपन करा सकते हैं फ्री में तो हम जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं पहला है बी सॉफ्ट पहले हम बी सॉफ्ट की बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे केपीआईटी की तो हम बात कर रहे हैं केपीआईटी और बिरला सॉफ्ट तो देखिए दोनों एक ही कंपनी थी कभी किसी जमाने में बिरला सॉफ्ट ही हुआ करती थी और बात करें यहाँ पर एक डीमर्जर हुआ डीमर्जर में एक केपीआईटी बटी और एक बटी बिरला सॉफ्ट तो अगर बात करें बिरला सॉफ्ट है जो पर्टिकुलर आपको क्या बनाती हुई दिखाई देती है एक सॉफ्टवेयर सेक्टर में तो इनमें के बीच में डिसाइड क्या हुआ कि जो बिरला सॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में काम करेगी वो आईटी टी प्य और आई में कंपनी काम करती हुई नजर आएगी और बात करें के की तो KPIT के पी वर्क करेगी वो भी आई कंपनी है आई में ही वर्क करेगी बट वो काम करेगी स्पेशली फॉर ऑटोमेशन ऑटोमेशन मतलब जो कि आजकल चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हुई दिखाई देंगी उसमें जो अलग अलग चीजें यूज होंगी उसमें जो काम होता हुआ दिखाई देगा मतलब ऑटो से रिलेटेड जितना भी काम होगा जो उस सॉफ्टवेयर

BeSoft के नाम से भी तो यहां पर काफी बार वीडियो बनाई गई है मंथ्स इलेवन यहाँ पर वीडियो बनाई थी शेयर कब खरीदे कब बेचे विद एग्जाम्पल uh, एक मिनट hmm, बिरला सॉफ्ट सॉरी hmm, यहाँ पर होगी वीडियो हमने अगर बात करे तो हमने ये वीडियो बनाई थी कब ये जब दे, डेढ़ सौ रुपये पे स्टॉक चलता था उस टाइम यहाँ पर ये वीडियो बनाती हुई दिखाई दी थी और हमें अच्छा खासा रिटर्न वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर देखिए यही वीडियो है सेवेंटी नाइन का एक छोटा सा स्टॉक छह महीने में दो सौ परसेंट के रिटर्न उसके बाद ये शेयर डेढ़ सौ भी भागा तो इस तरीके से ये वीडियो बनाते हुए हमने दिखाई दी थी तो देख लीजिएगा बाकी आ, हम हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा स्विंग ट्रेडिंग हम बीच में यहाँ पर करते रहे देखिए मिड कैप कंपनी है पी रेशो थर्टी वन के आरो सी ट्वेंटी वन है काफी बेहतरीन है आरोपीन है डेट फ्री कंपनी नजर आती है इसके अलावा हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की तो देखिए अभी भी जो रिजल्ट आए थे वो भी हाईएस्ट हाइएस्ट था तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म कंसिस्टेंसी के साथ किया और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हाईएस्ट है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करें वो भी कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिट और की बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली ईयरली बेस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर नंबर है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड वो भी काफी बेहतरीन नजर आती है यहाँ पर डेट की बात करें कंपनी के पास डेट भी यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिक्स एसेट भी है वर्किंग प्रोग्रेस में भी है कैश भी अच्छा खासा है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए फोर्टी पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट एफ आई एस की बात करें सेवेंटीन पॉइंट टू नाइन डी आई एस की बात करें नाइनटीन पॉइंट सिक्स वन परसेंट की हिस्सेदारी है मतलब डी आई एस ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है FIs, FIs ने सेम रखी से है और बात करें की और थोड़ी सी हिस्सेदारी पब्लिक की कम होती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर पब्लिक में भी बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है तो हम अगर बी सॉफ्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इनका जो हिस्ट्री हमें दिखाई देती है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2000 से यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई देती है ये शेयर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया रुपए पे फिर उसके बाद यहाँ पर कभी ये अस्सी पैसे का यहाँ पर स्टॉक हुआ करता था कंची विमेजिन की अस्सी रुपए पैसे का यहाँ पर ये स्टॉक हुआ करता था और एक अच्छी खासी रैली बीच बीच में एक कंसोलिडेशन फेज बीच में गिरावट और फिर उसके बाद अस्सी पैसे का स्टॉक कहाँ पर आज के डेट में ट्रेड कर रहा है चार रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी बेहतरीन पर ये ये सब चीज़ नजर आती है जब ये ऐसे कोई स्टॉक इक्कीस रुपए पे आ जाए पिचासी पैसे का स्टॉक तो इसे मल्टी स्टॉक कहते हैं बीस साल के अंदर अंदर इसकी जर्नी बहुत प्यारी है और आई थिंक यहाँ पर एक डीमर्जर इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें बोनस वगैरह स्प्लिट वगैरह भी हुआ होता हुआ नजर आया शायद देख लेंगे एक बार तो हम देखते हैं तो देखिए हमेशा मैंने वीडियो बनाई है और जब भी ये शेयर डीएमए के आसपास आता है ये शेयर भागता हुआ नजर आता है और अभी भी हम यहाँ पर देखें तो देखिए फिफ्टी डीएमए के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दोबारा से भागती हुई नजर आ रही है बिरला सॉफ्ट में तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरे बनाइएगा तीन महीने के अंदर अंदर ये हमेशा ही पचास सौ रुपए का यहाँ पर जंप दिखाई देता है यहाँ पर देखिए ये पैंडेमिक था पेंडेमिक में अड़तालीस रुपए में सत्तावन रुपए पे शेयर चल रहा था उसके बाद से ये शेयर पैकर रिटर्न दिया और ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टॉक की तरह भाग्य जा रहा है और रिजल्ट नहीं है यहाँ पर रिजल्ट अच्छे है उसके साथ साथ ये कंपनी काम करते हुए दिखा रही है तो इस चीज की तरफ ध्यान दे सकते हैं आप बाकी हम बात करते हैं और दूसरे स्टॉक से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए दिस है तो जस्ट सोल्ड शेयर है बिरला सॉफ्ट शायर बिरला सॉफ्ट में यहाँ पर किसी ने शेयर भी बेचा है इनके मैनेजमेंट ने तो वो भी यहाँ पर देख लेंगे बट कोई बात नहीं यहाँ पर जो भी बेचा है खरीदा गया है कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है जब तक कंपनी के साथ हमेशा बने रहना है इसके अलावा हम बात करते हैं केपीआईटी की

ऑटोमोबाइल uh, से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है और फ्यूचर की टेक्निक्स पे ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है डिजिटल सॉल्यूशन एज वेल एज़ बात करें यहाँ पर ये कंपनी के जो सेंटर है यूरोप यू से जापान चाइना चा, चा, थाईलैंड इंडिया यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और इसका रेवेन्यू फोर्टी वन परसेंट तो यहाँ पर यूएस से थर्टी नाइन परसेंट यूरोप से ट्वेंटी परसेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नज़र आता है तो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा और इसके जो क्लाइंट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर सब चीज़ इससे रिलेटेड है इससे रिलेटेड भी ने बात पहले भी बात करती इस और और ये जब हुई थी और होने यहाँ पर वीडियो थी, और उसके बाद यहां पर डेट में तीन सौ पंद्रह चल रहा है इसके बाद टू सेवेंटी के आसपास भी बनाई थी तब मैंने भी यहां पर बाइंग करी थी और यहां पर आज की डेट में अच्छा खासा शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर केपीआईटी से रिलेटेड एक न्यूज है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो यहां पर अगर बात करें के uh, से रिलेटेड तो यहां पर आप देख सकते हैं केपीआई एक बहुत बेहतरीन टेक्निक्स पे काम करते हुए नजर आ रहा है तो यहां पर देखिए पुणे सेंटीमेंटल लैब्स ए आर आई टू जनरेट हाइड्रोजन uh, हाइड्रोजन फ्यूल uh, से रिलेटेड काम करते हुए फ्रॉम एग्री रेसिड्यू फॉर यूज इन द फ्यूल सेल पावर व्हीकल्स। तो मतलब क्या है इसका मतलब एग्री का मतलब क्या है तो रेजिड्यूज का मतलब ये है के लोगों के जो गांव के लोग होंगे जो नॉर्थ में यहाँ पर रहते हैं हमारे दोस्त भाई तो उन्हें पता ही हरियाणा दिल्ली साइड या जो भी है तो वहां पर uh, जब खेती हो जाती है तो वहां पर उस चीज को ना जलाया जाता है जिससे प्रदूषण आती है जो उसका बाद के जो कचरा टाइप में रह जाता है तो उसे जो हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं पराली ओके okay, उसे पराली कहते हैं मैं गांव से हूँ तो मुझे पता है वहां पर पराली कहते हैं बाकी अगर बात करें इंग्लिश में एग्री रेजिड्यू तो उसे जला दिया जाता है उससे क्या होता है उससे आसपास के एरिया में ना एक तो प्रदूषण बढ़ता है और वो बेकार की चीज़ ही होती है तो कोई यूज बट अभी एक उसी चीज़ से मतलब उसी चीज़ से यहाँ पर वो चीज़ खरीदी जाएगी और उससे क्या बनाया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूज सेल्स में वो चीज़ें यूज़ की जाएगी वहाँ पर और जो व्हीकल्स में जो बैटरियाँ लगेंगी उससे उसमें की टेक्निक पे ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी हो गए हैं और धीरे धीरे वो इस काम करते हुए नजर आ रहे हो और एक बार ये सब चीज सक्सेसफुल हो गई तो देन यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी क्योंकि यह ये पार्ट है केपीआईटी का यहाँ पर देखिए लैब्स एंड आर एंड डी इनोवेशन लैब्स इन इनक्यूब बाई के पी भी नहीं इनिशियल टेक्निक्स इनपुट्स एंड मास्क अगर कर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर रेजिड्यूज फॉर यूज़ इन फ्यूल सेल पावर व्हीकल्स तो इससे क्या होगा एक तो एनवायरमेंट को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जो यहाँ पर और हरियाणा में या फिर जो भी जहां पर गांव है जहां पर खेती होती होती है एक तो प्रदूषण वहां पर कम होता हुआ नजर आएगा प्रदूषण हटता हुआ नजर आएगा और दूसरी बात ये जो उनके लिए जो वेस्ट है उनके तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा बल्कि वो यहाँ पर ये चीजें ये कंपनियां खरीदेगी और यहाँ पर इन, उस चीज का ही फायदा मिलेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन की गैस फ्यूल से रिलेटेड यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आएगी और यहाँ पर जो बैटरी में यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी इट हैज आइडेंटिफाइड बॉटल इन बैटरी टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी फॉर हाइड्रोजन जनरेशन में काम करती हुई नजर आएगी और मल्टीपल एफर्ट्स आर टू क्रिएट द बिल्डिंग ब्लॉक्स नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी तो यहाँ पर ये सारी चीजें आज की डेट में बताते हुए नजर आए हैं तो इससे रिलेटेड आप इस और भी जाके पढ़ लीजिए यहाँ पर रिसर्च कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा इस कंपनी से रिलेटेड बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए ऑटोमोबिलिटी में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर सब चीज यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड नजर आता है यहाँ पर केपीआई टी बूस्ट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एक्सपर्टीज बाय एक्वायरिंग पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी एज वेल एज यहाँ पर अलग अलग चीजें दे रखी है देखिए ऑटोमेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें ओ ई एम्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बनाते हुए नजर आती है यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर देखिए तो कंपनी काफी बेहतरीन है कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन है और एक बार जो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड काम चल रहा है ये एक सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आया तो ये कंपनी के चार चांद लगेंगे और ये कंपनी फिर भागती हुई नज़र आएगी ऑलरेडी यहाँ पर ये यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आती है और जैसे जैसे यहाँ पर ईवी की बात हो रही है तो ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा और फिर इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है डेट टू इक्विटी की बात करें नाइनटीन का डेट है ज़्यादा डेट भी नहीं है आर अच्छी खासी है अभी डीमर्ज हुआ है स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर एक बिग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए बनी हुई है मैक्सिम चार्ट पैटर्न यहाँ पर कुछ खास है नहीं यहाँ पर बात करें 2019 में डीमर्ज हुए थे तो उसके बाद से कंपनी एक रैली में बनी हुई है इसके अलावा यहाँ पर इसके रिजल्ट की बात करें अगेन यहाँ पर हाईएस्ट लेवल रिजर्व आने शुरू हो गए हैं कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है हाईएस्ट लेवल यहाँ पर नेट प्रॉफिट है और ईयरली बेसिस पे भी बात करे दो हजार उन्नीस से तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग चार गुना पांच गुना ये कंपनी होती हुई चार गुना कंपनी होती दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट की बात करे यहाँ पर एक करोड़ का कर नेट प्रोफिट है रिजर्व अच्छे खासे बॉरिंग यहां पर है कंपनी अब काम करती हुई नजर आ रही है वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगे हुए है इसके अलावा कैश फ्लो अच्छा खासा है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई है प्रमोटर्स की कोई इश्यू नहीं है बट यहाँ पर

जब जब 50 डीएमए के आसपास आते हैं एक अच्छी खासी जंप लगाते हैं यहाँ पर देखिए आया था और फिर इसके बाद एक अच्छी खासी जंप लगा दिखाई दी है फिर यहाँ पर शेयर फिर थोड़ा सा गिरता है और आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है फिर यहाँ पर एक खरीद लीजिएगा फिफ्टी डीएमए यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और थ्री के आसपास शेयर आए तो यहाँ पर फिर दोबारा खरीदिएगा फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी फिर पैसा बनेगा इसमें बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है ये और फ्यूचर में बहुत बड़ा ये

नजर आएंगे फिर फ्यूचर में और यहाँ वीडियोज दूसरी वीडियोज को जाके भी चेकआउट करिए बाकी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस